हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्मोमीट्री। सो व्हाट इज थर्मोमीट्री? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद the measurement of temperature। ठीक है, तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए वी यूज द थर्मोमीटर्स ना। थर्मोमीटर्स आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मोमीटर अगर बनाते हैं हम तो कैसे उस थर्मोमीटर बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है कि हमें ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड थर्मोमीटर बनाते हैं जो टाइप टेम्परेचर के साथ वेरी करे। ठीक है, जैसे अगर हम मर्करी थर्मोमीटर की बात करें तो इफ वी टॉक अबाउट द मर्करी थर्मोमीटर, उसमें क्या प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं मर्करी थर्मोमीटर में कि मर्करी एक्सपेंड्स विद द टेम्परेचर। ठीक है, मर्करी जो एक मेटल है, लिक्विड मेटल, ठीक है, तो मर्करी एक्सपेंड्स ड्यूरिंग विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि मेटल की एक्सपेंशन विद द टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, उसमें क्या होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ क्या चीज वेरी करेगी? प्रेशर वेरी करेगा। ठीक है, तो हम कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड थर्मोमीटर बनाते हैं कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर के साथ क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे प्रेशर वेरी करे किसके साथ? विद टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर वेरी करे टेम्परेचर के साथ, सही है। वॉल्यूम वेरी करे विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या वेरी करे? वॉल्यूम वेरी करे। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर वेरी करे विद टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस वेरी करे विद टेम्परेचर। सो किसी ना किसी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लेते हैं जो वेरी करती है विद द टेम्परेचर। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल हम देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से टेम्परेचर स्केल अवेलेबल है और उनसे हम मेजरमेंट कैसे करते हैं टेम्परेचर की। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। फर्स्ट इज सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल में लोएस्ट टेम्परेचर या लोएस्ट फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? लोएस्ट फिक्स पॉइंट। ठीक है, इस ये कौन सा टेम्परेचर है जिसपे वाटर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या इसको आइस पॉइंट भी बोल देते हैं। ठीक है, लोएस्ट फिक्स पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? आइस पॉइंट, सही है। एंड इसमें अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, यानी इंटरवल्स दे दिए कि हम टेम्परेचर मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल में लोएस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या है? हाईएस्ट फिक्स पॉइंट, हाईएस्ट फिक्स पॉइंट, सही है। लोएस्ट फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बीच में 0 से लेके 100 तक है ना, इसमें क्या किया हुआ है? 100 इक्वल पार्ट्स में इस सेल्सियस स्केल को क्या हुआ, किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो 0 से 100 के बीच में कितने डिविजन्स है? 100 इक्वल डिविजन्स है। ठीक है, और एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम? 1 डिग्री सेल्सियस, सही है। एक पार्ट को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस, सही है। उसके बाद देखो फारेनहाइट स्केल। सो फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल देखो, फारेनहाइट स्केल में लोएस्ट फिक्स पॉइंट होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फारेनहाइट, ये क्या है? लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लोएस्ट फिक्स पॉइंट इसका कितना है? 32 डिग्री फारेनहाइट, और अपर फिक्स पॉइंट है इसका 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 212 डिग्री फारेनहाइट, और इसको कितने इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है? 180 इक्वल डिविजन्स में। ठीक है,
इसमें जैसे 100 इक्वल पार्ट्स थे, इसमें कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 180 इक्वल पार्ट्स हैं, और 1 डिवीजन को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, 1 डिवीजन को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट चीज केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल देखो, केल्विन स्केल में लोएस्ट फिक्स पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, ठीक है, इट इज द लोएस्ट फिक्स पॉइंट, एंड अपर फिक्स पॉइंट है इसका 373.15 केल्विन, ठीक है, 373.15 केल्विन, ये लोएस्ट फिक्स पॉइंट है और ये अपर फिक्स पॉइंट है, और इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सही है। चलो, सो ये हमारी डिफरेंट स्केल्स हैं। टेम्परेचर हम सेल्सियस में भी बता सकते हैं, फारेनहाइट में भी बता सकते हैं, केल्विन में भी बता सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, केल्विन। टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है। अब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो टेम्परेचर अगर हमें वन स्केल से दूसरे में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, ठीक है, माइनस लोएस्ट फिक्स पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर एट वन स्केल माइनस लोएस्ट फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोएस्ट फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल हो, फारेनहाइट स्केल हो, सब पे ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई टेम्परेचर, सपोज सेल्सियस स्केल की बात करें तो हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में है मान लो टी सी, माइनस में क्या करेंगे, लोएस्ट फिक्स पॉइंट कितना है हमारा, जीरो, ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 100, लोएस्ट फिक्स पॉइंट कितना है, जीरो, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सही है। उसके बाद देखो, अगर हम किसकी बात करें, फारेनहाइट स्केल की बात करें, तो टेम्परेचर सपोज फारेनहाइट स्केल में टीएफ ले लिया, कोई भी रीडिंग है टेम्परेचर की टीएफ, ठीक है, माइनस में क्या करना है, इसका लोएस्ट फिक्स पॉइंट वो कितना है, 32, सही है, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो 212 माइनस 32, सही है। इसी तरह से अगर केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन में देखो, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15 केल्विन, ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट कितना है इसका, 373.15 माइनस लोएस्ट फिक्स पॉइंट कितना है, 273.15, सही है। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा दैट टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100, है ना, टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100, टी एफ माइनस 32, 212 में से 32 हो गया हमारा कितना रहेगा, 180, है ना, और टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 100, ठीक है। तो अगर आपको सेल्सियस से सपोज केल्विन में जाना है तो सपोज 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे, क्या रिलेशन यूज़ करेंगे हम, टी सी बाई 100 इज इक्वल्स टू टी के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, सेल्सियस में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, 50/100 टी के माइनस 273.15, सही है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 100, 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 273.15 इधर जाके क्या हो जाएगा, एड अप 50 में, तो वो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो गया, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। सो इस तरह से हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट ऑफ टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, जो इसकी लोएस्ट फिक्स पॉइंट है ना, ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर का लोएस्ट फिक्स पॉइंट होगा हमारा माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसा स्केल जिसका लोएस्ट फिक्स पॉइंट कितना है, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो
इस स्केल को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, जिसका लोएस्ट फिक्स पॉइंट कितना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे कोल्ड टेम्परेचर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इससे कम, मतलब अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करें तो कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर सपोज डिक्रीज कर रहे हैं, सपोज वाटर का टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, सही है, तो वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री पे वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 0 डिग्री से में वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। या हम किसी गैसेस की अगर बात करें, गैसेस जो है रूम टेम्परेचर पे, अगर कोई गैस गैसियस स्टेट में है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे हम उसकी स्टेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे लोएस्ट टेम्परेचर उस किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी गैस का हम नहीं ऑब्टेन कर सकते। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कौन सा होगा, जिसमें लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आती है हमारे पास, PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम ये हमारे कॉन्स्टेंट है, ये मोल्स कितना नंबर ऑफ मोल्स है उससे रिलेटेड है, T टेम्परेचर है। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं हमारे पास, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, चार्ल्स लॉ की अगर बात करें, ठीक है, कि इफ पी इज कॉन्स्टेंट, पी अगर कॉन्स्टेंट है तो ये दोनों कॉन्स्टेंट अगर कंसीडर करें तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसी चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन आती है दैट वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, ये वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस ले लो, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस, एंड ये वॉल्यूम कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 plus T by 273.15। ठीक है, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 plus T by 273.15। ठीक है, तो वॉल्यूम और ये क्या है, टी टेम्परेचर। तो ये देखो, इसको अगर मैं आगे की तरफ इक्वेशन ये अंदर ले जाओ, ये कितना आएगा, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस में क्या आएगा, वी 0 at 0 degree Celsius टी बाय 273.15। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन किसको मैच कर रही है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू सी, और ये क्या आ जाएगा, एम एक्स, यानी एक्स एक्सिस के अगर अलोंग हम अब टेम्परेचर ले लेते हैं सपोज, ठीक है, इफ वी आर टेकिंग टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग किसको ले लो, वॉल्यूम को। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग किसको ले लिया हमने, वॉल्यूम को ले लिया। तो हमारे पास कैसा ग्राफ बनेगा, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है, कैसा एक ग्राफ बनेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, सही है। इस इक्वेशन से देखो, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी पुट कर दें, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस भी पुट कर दें, तो वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर कितना रहेगा, वी नॉट तो रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे वेरी करती है विद टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे वेरी कर रही है विद टेम्परेचर, उसका ग्राफ है हमारा, सही है। तो टेम्परेचर के साथ देखो, 0 ये 100, ठीक है, केल्विन में टेम्परेचर ले लो या सेल्सियस में ले लो, सेल्सियस में ले लेते हैं सपोज 200, ठीक है, 300। प्रेशर इस केस में क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और वॉल्यूम और के साथ गैस का वॉल्यूम कैसे वेरी करते हैं टेम्परेचर के साथ वो देखते हैं हम। ठीक है, सो इट इज़ लाइक दिस, सही है। तो देखो, नेगेटिव में ये देखो, इधर पॉजिटिव डिग्री सेल्सियस है, इधर क्या होगा, नेगेटिव डिग्री सेल्सियस, सही है। तो ये वैसे तो ग्राफ ऐसी शेप का बनेगा, और इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, सही है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेशन करने पे ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है,
तो इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, देखो -273.15 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम गैस का बिल्कुल क्या हो गया, जीरो है ना। इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम गैस का क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है, वैसे तो इस टेम्परेचर से जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना तभी कोई भी गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी होती है, समझ रहे हो। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे देखो, इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है कि कोई भी गैस का जीरो वॉल्यूम है वहां पे। ठीक है, नो कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, उसका कैसा वॉल्यूम है, जीरो वॉल्यूम है। ठीक है, अगर इससे पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ क्या हो गया, वॉल्यूम नेगेटिव। अब वॉल्यूम नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, तो यानी इससे पीछे हम जा नहीं सकते, सही है। तो ये कैसा टेम्परेचर है हमारा, लोएस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, कैसा टेम्परेचर है हमारा, लोएस्ट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा गैस का, ऑक्यूपाइड, जीरो। ठीक है, वॉल्यूम कितना रह जाएगा, जीरो ऑक्यूपाइड रहेगा, सही है। तो जो स्केल में लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उस स्केल को क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट स्केल। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट स्केल, या इसको कैल्विन स्केल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हम, कैल्विन स्केल भी बोल सकते हैं, सही है। तो एब्सोल्यूट स्केल में आइस पॉइंट किसके इक्वल होगा, 273 पॉइंट, मतलब आइस पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू +273.15 केल्विन इन एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, कर लोगे। और 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है हमारा, 373.15 केल्विन के इक्वल है। ठीक है, और सेल्सियस में अगर हम कितना चले जाएं, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है, 0 केल्विन के इक्वल है। ठीक है, वो किसके इक्वल है हमारा, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन किसके इक्वल है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, +273.15 केल्विन। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, बाकी डिवीजन इसमें वही रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। थैंक यू।